और दोस्तों आप भी अपनी टिकटॉक की ओल्ड वीडियोस को डाउनलोड करने जा रहे हो एंड यहाँ पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपको अपने अकाउंट पर सारी वीडियोस शो नहीं कर रही है, यानी कि कुछ ही वीडियो आपके अकाउंट पर आ रही है। दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, हाउ टू डाउनलोड टिकटॉक वीडियोस आफ्टर बैन इन इंडिया। इस वीडियो में दोस्तों काफी सारे लोगों की जो वीडियोस थी वो उन्होंने डाउनलोड कर ली, बट काफी सारे लोगों का एक ही कमेंट आ रहा था कि भाई हमारे अकाउंट पर हमने जितनी वीडियो अपलोड करी है वो सभी शो नहीं कर रही है, सिर्फ कुछ ही वीडियो हमारे अकाउंट में शो कर रही है एंड बाकी की वीडियो नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का आखिर सोल्यूशन क्या है, काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला एंड आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हो अगर आप भी अपने टिकटॉक की ओल्ड वीडियोस को डाउनलोड करने जा रहे हो एंड वहां पर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, सारी वीडियो शो नहीं कर रही है, कुछ पर्टिकुलर वीडियोस ही शो कर रही है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने अकाउंट पर जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रखी होंगी, चाहे 1,000 2,000 जितनी भी वीडियो होगी, सब आपको शो करेंगी एंड आप सारी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अब किस तरीके से डाउनलोड करना है एंड किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, चलिए यहां पर जान लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि आपको अपनी टिकटॉक की सारी वीडियोस को किस तरीके से शो कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दो क्लिप्स दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट क्लिप आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर क्या है, मेरा सेम यही अकाउंट है एंड आप देख सकते हो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप वीडियो गिन लीजिए, यहाँ पर टोटल 25 वीडियो शो कर रहा है एंड 25 वीडियो शो करने के बाद और कोई सी वीडियो शो नहीं कर रहा है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज और भी अपलोड करी है बट वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो यही प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सारे लोगों के साथ। अब आप इस सेकंड वाली क्लिप को देख लीजिए, इस क्लिप के अंदर दोस्तों सेम यही अकाउंट है एंड स्टार्टिंग की वीडियोस भी सेम वही है जो पहले मैंने क्लिप में दिखाई थी। अब यहां पर आप नीचे देख लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं एंड जितनी भी वीडियोस मैंने अपने अकाउंट पर अपलोड करी थी वो सारी यहां पर शो हो रही हैं, यानी कि जितनी वीडियो उस फर्स्ट क्लिप के अंदर शो नहीं कर रहा था इस क्लिप के अंदर शो कर रहा है। तो इस क्लिप में कैसे शो कर रहा है, कौन सी ट्रिक मैंने लगाई है, वो ही मैं आप सभी लोगों को बताता हूं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को बस लास्ट तक वॉच करते रहना। सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा, आपको साइड में एक स्क्रीन चलती हुई दिख रही होगी, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है अपने मोबाइल फोन के अंदर एंड प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई सा भी एक वीपीएन सर्च कर लेना है एंड आपको ये वाला जो वीपीएन है टर्बो वीपीएन लाइट, आपको सिंपली इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। इसको आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली आपको करना पड़ेगा ओपन। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इसको ओपन करते हो आप सभी लोग सामने कुछ तरीके इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको टैप टू कनेक्ट वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर सिंपली कर देना है क्लिक एंड आपका जो वीपीएन होगा वो सिंपली कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विदाउट वीपीएन के आप यहाँ पर टिकटॉक की वेबसाइट के अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन है परमानेंटली। उसके बाद जब आपका जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो जाए आपको सिंपली जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर के अंदर। क्रोम ब्राउजर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है एंड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा www.tiktok.com। यहाँ पर गाइज आप देख लीजिए, आप स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना वरना आप किसी और वेबसाइट के अंदर पहुँच जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हो आप सभी लोगों के सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में जो प्रोफाइल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर कर देना है क्लिक। उसके बाद साइनअप पर क्लिक कर देना है, साइनअप पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिला ऑलरेडी आई हैव एन अकाउंट, लॉगिन पर क्लिक कर देना है नीचे, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करोगे आपको फेसबुक गूगल या जिस भी अकाउंट से आपने अकाउंट बनाया था उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर एंड मैं अपनी ईमेल आईडी एंड यहाँ पर दोस्तों अपना जो पासवर्ड है उसको डाल के फटाफट से अपनी जो अकाउंट है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ अब यहाँ पर, तो जो भी आपका अकाउंट का ईमेल आईडी या फिर उसको मोबाइल नंबर या पासवर्ड आप हो आपको पता हो आप सिंपली उसको डालकर लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंड अपनी ईमेल आईडी डालकर पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पर कर देना है क्लिक। अब जैसे ही गाइस यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हो आप सभी लोगों के सामने कुछ यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम जो वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी स्लोली वर्क करेगी। तो अभी मैं दोस्तों तब तक के लिए वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा रोक देता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके का कैप्चा आएगा, तो आपको सिंपली इस कैप्चा को फिल कर देना है कुछ इस तरीके, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मैं इस कैप्चा को फिल कर देता हूँ एंड मेरा जो कैप्चा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए वेरिफिकेशन कंप्लीट लिख के आ गया। उसके बाद आपकी जो आईडी होगी वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो टिकटॉक वेबसाइट है उसके अंदर लॉगिन हो जाएगी, यहाँ पर देखिए लिखकर आ गया लॉगिन सक्सेस। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे आपके अकाउंट में सारी वीडियो शो करेगा। अभी देख लीजिए मैं यहाँ पर अपना जो अकाउंट है उसके अंदर आ चुका हूँ एंड मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो गिन लीजिएगा कितनी वीडियो है, 1 2 3
पहले जो पेज हमारा पूरा लोड हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 टोटल यहाँ पर 23 वीडियो शो कर रहा है। एंड उसके बाद जो पेज है वो खत्म हो गया है एंड यहाँ पर लिखकर आ रहा है गेट फुल एक्सपीरियंस ओपन टिकटॉक। अब यहाँ पर अगर आप टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करने जाओगे तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रही है, जितनी वीडियोज हैं वो शो नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर 23 वीडियोज ही शो कर रहा है। अब सारी वीडियोज को किस तरीके से शो कराना है लाइव आप सभी लोगों के सामने मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ऊपर आ जाना है, ऊपर आने के बाद आपको जो एरो वाला आइकन देखने को मिलेगा राइट कॉर्नर में, इस पर करना है क्लिक। एंड उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आप सभी लोगों के सामने कुछ इस तरीके का यहां पर इंटरफेस आएगा। यहां पर देख लीजिए आपका जो यहां पर क्रोम ब्राउजर है वो डेस्कटॉप वर्जन के अंदर आ चुका है। अब यहां पर आने के बाद आपको जो सबसे राइट कॉर्नर में आपको आपकी प्रोफाइल दिख रही होगी छोटी सी, इस पर क्लिक करना है। एंड यहां पर अब आप देख लीजिए सारी वीडियोस जितनी भी मैंने अपलोड करी थी वो सारी शो करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, गिन लीजिए आप सारी वीडियोस, अभी तक सिर्फ वहाँ पर 23 वीडियोस ही शो कर रहा था। एंड यहाँ पर देख लीजिए जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी है वो यहाँ पर सारी शो करेगा, कोई सा भी ऐसी वीडियो नहीं है जो कि यहाँ पर शो नहीं होगी। वेरिफिकेशन हमारे पास आ चुका है तो हम वेरिफिकेशन को कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डेस्कटॉप वर्जन को ओपन करा था तो न्यू वेरिफिकेशन हमारे सामने आएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, अब आप टोटल देख लीजिए जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी है वो सारी यहाँ पर शो कर रही हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने टोटल अभी लगभग इसमें 70 से 80 वीडियो अपलोड करी थी तो वो सारी वीडियोस मेरे सामने आ चुकी हैं। एंड फर्स्ट क्लिप में आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 23 ही वीडियो दिखा रहा था। तो आप सिंपली इस तरीके से अपनी सारी वीडियोस को देख सकते हो। आपको सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन को लाना है अपने क्रोम के अंदर एंड उसके बाद आपकी सारी वीडियोस शो करना स्टार्ट कर देगा। अब आप सिंपली किसी भी एक वीडियो को प्ले करके उसकी लिंक को कॉपी करके एंड उसके बाद उसको डाउनलोड कर सकते हो किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करके। तो आप दोस्तों इस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड ऑब्वियसली आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी एंड आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो भी 100% फिक्स हो जाएगी क्योंकि लाइव आप सभी लोगों के सामने इस ट्रिक को मैंने लगाकर दिखाया एंड अपनी सारी वीडियोस को शो करके भी आप सभी लोगों को दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है टिकटॉक की सारी वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए तो वो भी नीचे कमेंट में बता देना। कुछ भी प्रॉब्लम हो सबका सलूशन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा एंड कमेंट करके जरूर जाना कि भाई आपकी ये ट्रिक काम करती है एंड हमारी ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.